तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज भी हमारे टेरेस गार्डन पर कुछ काम शुरू करेंगे। आज है ना, लेट हो गया, आज संडे है और आज दिन में मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो मैं अब काम शुरू करूँगी, क्या काम मैंने कल शाम को आके किया था वो भी आपको बताऊंगी। और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स को पता है कि क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू देती हूँ, फिर कुछ काम की शुरुआत करेंगे। इस तरह की शुरुआत है हमारा टेरेस गार्डन। यहाँ से वहाँ तक देखो, सनसेट होने वाला है अब। और अभी खड़ी में बची है 5:30। अब फटाफट से बाहर का, तो ऐसे दूर दूर से मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। अब मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर कुछ काम करेंगे, बाहर के भी काम करेंगे धीरे धीरे। हाँ, संडे का टाइम है और कुछ काम करने लग गई तो उसमें बिजी हो गई, तो ये काम नहीं कर पाई। इनका फ्लावर का कलर स्टार्टिंग में तो बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, डार्क, धीरे धीरे धूप में लाइट हो जाता है। स्टार्टिंग में जब ये ग्रो करते हैं ना, बहुत डार्क होता है। धीरे धीरे ऐसे इस कलर के हो जाते हैं लाइट से। और फूल दिखाएं, अंदर की तरफ फूल खिले हैं। या तो सारी मैंने प्रूनिंग कर दी है ना, इसलिए अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सारे बोगनविलियास इन सबकी मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी। और रोजेज़ वगैरह खिले हैं, अभी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। और भी एक नया फूल खिला है, वो भी अभी आपको बताएंगे। और यहाँ तो बाहर के प्लांट्स की मैंने सारी प्रूनिंग वगैरह कर दी है ना, तो यहाँ आपको कोई भी फ्लावर नहीं दिखेगा, बस रोजेज हैं। और उधर हम चलते हैं तो यूफोरबिया मिली है। यहाँ कुछ एक गुलदाउदी वगैरह खिले हैं। अब धीरे धीरे विंटर के प्लांट्स को हमको सेट करना पड़ेगा, कहीं रखना पड़ेगा। ये यूफोरबिया मिली बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। दूसरे वाले यूफोरबिया मिली बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से यहाँ ये वाले यूफोरबिया मिली और ये छोटे वाले यूफोरबिया मिली भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यूफोरबिया मिली का भी सीजन है, बहुत अच्छे से इसमें होती है ग्रोथ। अभी थोड़ा थोड़ा सा ये बाहर वाले प्लांट्स हैं ना, थोड़े से मैसी हो रखे हैं, तो इसको इग्नोर करना, मगर आप फ्लावरिंग देखो कितनी अच्छे से हो रही है। अब चलते हैं अंदर और काम शुरू करते हैं, कुछ एक काम करते हैं, नहीं तो सन सेट हो जाएगा और फिर थोड़ा धीरे धीरे अंधेरा होने लगेगा। अब चलते हैं अंदर। आ चुके हैं अंदर। मैं सुबह आई थी और सुबह मैंने कुछ काम किया था। सुबह है ना, वीडियो नहीं बनाई थी, मगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आके यहाँ ना साफ़ सफाई की थी, अच्छे से धो के गई थी। फर्श को देखो, आपको दिखाई दे रहा है एकदम नीट एंड क्लीन फर्श है, क्योंकि हमारे टेरेस गार्डन में पत्ते गिरते रहते हैं। पहले झाड़ू लगाया, फिर अच्छे से साफ सफाई की, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं मोबाइल छत पे नहीं लाई थी, वॉक करने के लिए आई थी, तो वॉक करने के बाद में मैं छत पे काम करने लग गई थी। मोबाइल नहीं लाई तो मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई है। देखो इस तरीके से, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ एक चेंजेस भी किए। वो क्या चेंजेस किए वो भी बताऊँगी। मैंने ना ये जो मेरे यहाँ जो ये जो प्लांटर है ना, वो यहाँ हैंग होके रखे थे यहाँ, और उन्हें मैंने लगा दिया यहाँ, और यहाँ वाले मैंने लगा दिए यहाँ इस तरीके से। ये देखो, अब क्यों लगाएं वो रीज़न आपको पता है। ये छोटे छोटे में से तो क्या इजीली जाली में से ऐसे हाथ डाल के पब्लिक यहाँ आके ऐसे पौधे ले आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये रीज़न था कि इनको मैंने यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया। अभी कितने क्यूट लग रहे हैं यार, देखो इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो भी कितनी क्यूट सी हो रही है। देखो अच्छी लग रही, पीच कलर की सुंदर से। कलंचू प्लांट ऐसे हैं, ये देखो ये सारी मैंने जितनी भी आपको कलंचू दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मैंने कटिंग के थ्रू लगाए। कलंचू ऐसे हैं कि सक्यूलेंट की तरह सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्हें कम पानी और कम धूप, मतलब एकदम ऐसी भी नहीं कि बिल्कुल तेज की धूप में, हल्का फुल्का भी ऐसा होना कि सुबह की धूप मिले तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखो इस तरीके से, यहाँ सुबह सुबह की धूप आएगी 12-1 बजे तक की, और ये अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, बाकी ये नीचे दूसरे हैं। ऊपर मेरे पिटूनियाज वगैरह मैंने लगा रखे हैं। ये देखो यहाँ पिटूनिया वगैरह को, अभी जैसे धीरे धीरे मौसम अब स्टार्ट हो चुका है फेब का मौसम, ठीक है, तो फेब्रवरी में मैं इसकी पिंजिंग भी करती हूँ, सबके साथ बातें भी शेयर कर रही हूँ। तो फेब्रवरी में क्या होता है, अभी धूप तेज लगेगी और फिर इनकी ये पिंचिंग करेंगे ना, तो उतनी इसमें अच्छे से ग्रोथ होगी। देखो मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ, जो जो स्पेंट फ्लावर होगा ना वो मैं हटा रही हूँ अभी, जिससे ये बुशी हो जाए। ये देखो इस तरीके से, नहीं तो इनमें सीड्स बनने लगते हैं और फिर ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है। देखो यहाँ इनमें अब सीड पॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दिख रहे हैं आपको, ये इसमें सीड पॉट बनते हैं। इनको भी मैं हटाऊंगी, ये सीड्स मैं लूँगी मार्च के बाद में, इसलिए मैं इनकी ग्रोथ अभी नहीं रोक रही हूँ ना, तो इसलिए मैं सीड वाले पार्ट भी हटा रही हूँ। देखो इस तरीके से, और आगे भी मैं हटाऊंगी। ये देखो इस तरीके से, ये बिल्कुल स्पेंड हो गया ना, तो आपको ये काम करना है। और यहाँ अच्छे से धूप आएगी, इसका कलर देखो कितना प्यारा फूल का कलर है, ये देखो अच्छा। और ये मेरे पिछले सीजन के हैं, एक भी मेरे परचेज नहीं किए हुए हैं, पिछले सीजन की जो बचत है उसी से मैंने ये नए लगाए पिटूनियाज। देखो ये सारे पिटूनियाज इधर, कलंजू तो मैंने कटिंग से लगाए हैं। अभी मैं और भी पिंजिंग करूँगी, मगर आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी देर बाद करूँगी इधर, तो इसीलिए मिक्स एंड मैच आपको दिखेंगे। ठीक है, किसी में कोई कलर, किसी में कोई, जैसे जैसे मैंने सबके सीड्स है ना ऐसे अलग अलग तरीके से निकाल नहीं सकते, तो सबके एक साथ लगा दी तो और अलग 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 शेड्स ग्रो किए। और मेरी देखो कितना प्यारा कलर है इसमें ऐसे, और इधर भी मेरे वही है पिटूनियाज जो मैंने सीड से लगाए थे, ये देखो इस तरीके से। हाँ, और फिर मैंने वो उधर लगा दिया, क्योंकि यहाँ से क्या पब्लिक तोड़ के खींच के ले आ रही थी। अब यहाँ ये बड़े हैं ना, तो बड़े में से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने बड़े वाले यहाँ लगा दिए। और दूसरा रीज़न ये है, ये मैं वीड्स भी हटा रही, दूसरा रीज़न ये भी है कि अब
मौसम थोड़ा थोड़ा दिन की धूप बहुत तेज होने लगेगी। खैर आज तो मौसम ठंडा है, आज की बात नहीं कर रही हूँ, मगर धीरे 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 फैब स्टार्ट हो गया ना तो धीरे धीरे धूप तेज पड़ने लगेगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे ये विंटर के प्लांट्स हैं, इन्हें धूप नहीं चाहिए ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप मतलब फरवरी की मार्च की दिन भर की धूप लगेगी तो ये बर्न होने लगेंगे, इसलिए मैंने इन्हें ऐसी एरिया में शिफ्ट कर दिया जहाँ दिन भर की धूप तो आएगी मगर थोड़ा बहुत का हल्का फुल्का इन्हें शेड में मिलता रहेगा, तो इनकी ग्रोथ होने रहेगी, एकदम तेज़ धूप में ख़राब हो जाएंगे। और भी हैं हमारे सारे सीड वगैरह, ये सारी सीडलिंग्स अब जाके ग्रो हो रही है। तो कल एक कलंचू है ना, जो मेरी वीडियो देखता है ना उनको पता है कि एक कलंचू है ना किसी ने वहाँ से तोड़ दिया था, किसी ने लिया होगा, दिखाती हूँ अभी आपको। पहले ये ना एक बार मेरे उसमें डाल देती हूँ, कंपोस्ट में डाल देती हूँ। देखो ये हमारा कंपोस्ट है, ड्राई कंपोस्ट, उसमें इसके शेड भी देखो कितने प्यारे। तो हुआ क्या, ये देखो कितने प्यारे कलर उग रहे हैं। तो हुआ क्या, वहाँ से किसी ने करंच वगैरह तोड़ने की कोशिश की होगी ऐसे खींच के, तो उसकी पट्टी टूट गई और ये स्टेम टूट के नीचे गिर गई। तो फिर मैंने क्या किया, अभी इसको ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया और उसके बाद भी इसकी ग्रोथ होने लग गई। देखो तो उसको भी दूसरे प्लांटर में मैं शिफ्ट करूँगी। तो इसीलिए यही रीज़न था कि मुझे यहाँ से हटा के वहाँ वो सारे लगाने पड़े, ये सारे के सारे, ठीक है। और इन्हें मैंने फिर यहाँ लगा दिया क्योंकि इन्हें भी अब दिन भर की तेज़ धूप, जहाँ ये पहले लगे हुए थे ना बहुत दिन भर की पूरी धूप मिल रही थी, इतनी धूप की ज़रूरत नहीं है इन्हें, इतनी धूप काफ़ी है कि दिन में 12 एक बजे तक की धूप मिले और काफ़ी है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। देखो इतनी धूप, दिन में 5-6 घंटे की भी धूप मिलेगी ना सुबह से, तो भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बनी रहेगी मार्च अप्रैल तक, अप्रैल तक ये अच्छे से खिलेंगे। तो देखो आप सोच रहे होगे सुबह सुबह मैं चिड़िया कैसे दिखा रही हूँ वीडियो, तो शाम की चल रही थी। हुआ क्या, शाम को फिर मैं बिज़ी हो गई, अब मेरी क्लास शाम को भी चला करेगी तो उस कारण मतलब मैं शाम को भी बिज़ी रहूँगी, तो मैं बिज़ी हो गई और बीच में स्टूडेंट आ गए, तो फिर मैंने क्या किया, क्लास बंद कर मतलब सॉरी छत पे मैं भूल गई कि संडे की भी मेरी क्लास है, फिर मैं छत पे आ गई और फिर गार्डन का व्यू आधा रह गया मेरा, ठीक है। तो फिर मैं नीचे गई, काम वाम किया, क्लास वगैरह लिए, सुबह गई शाम, हमारे तो फिर रात को पानी दे नहीं सकते थे। अब आई हूँ सुबह अगेन वापस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़ी सी क्लिप आ गई है आगे की आएगी आपको शाम को और बाकी मैं सुबह का डालूंगी, ठीक है। तो बस वीडियो की शुरुआत तो मैंने कल कर दी थी, अब देखते हैं आगे के काम। चिड़ियाँ आ गई वापस से दाना पानी खाने, यही मैं आपसे कहती रहती हूँ कि कुछ भी हो ना घर में, आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, हाँ सिर्फ 2 रोटी थी, उसी को मैंने क्रश करके डाल दी, पानी भरना भूल गई, पानी भरना है यार इन दोनों में, थोड़ा थोड़ा सा पानी फिर भी पानी पी रहे, पानी भी भरूँगी, और सिर्फ 2 ही रोटी थी तो मैंने वो भी क्रश करके डाल दी, तो ये थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर बाद में मैं ना जो अपन ने डालते हैं ना चिड़ियाओं के दाना फिर वो ला के डाल दूँगी। शुरू करता है कल का काम, वापस से आगे वीडियो, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में वीडियो कल की आएगी और बाकी की फिर अभी आएगी। तो मैं कल कुछ एक काम कर रही थी, मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या काम आपके साथ में शेयर कर रही थी। डहेलिया का फ्लावर इस तरीके से स्पेंड हो गया ना, अभी से मैं यहाँ से कट कर दूँगी, यहाँ से होगा क्या, अगर इसमें कोई फ्लावर वगैरह या कोई नई बर्ड आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर ये सही से ग्रोथ करेगा, अगर मैं इसको यहीं रखूँगी ना, ना कोई फूल आएगा ना कुछ होगा ना इसकी ग्रोथ होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। और सबसे पहले लाती हूँ मेरा कटर, तो इस तरीके से स्पेंड फ्लावर वगैरह जितने भी रहते हैं ना उनको आपको कट करते रहना चाहिए, जिससे क्या वो एनर्जी ना ले और दूसरा फ्लावर खिलने में आसानी रहे, वो नीचे गिर गया कोई बात नहीं, ठीक है। अब फटाफट से मैं अपने टेरेस गार्डन का एक बार पहले कटा रख के आती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, अब इसको वॉश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टेरेस गार्डन का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ और कुछ एक बात आपके साथ में शेयर करते हैं। और मैं कल आपको शायद बता रही थी कि मैं बेबी सनरोज मैंने कटिंग के थ्रू लगाए थे, अभी कब लगाए थे, शायद 10-15 दिन पहले लगाए थे। तो इस सीज़न में आप है ना, ये जो फैब का सीज़न स्टार्ट हो चुका है ना, तो इसमें आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हो, तो सबसे बेस्ट सीज़न होता है स्प्रिंग सीज़न, फैब का पूरा सीज़न रहता है स्प्रिंग का सीज़न, इसमें सारे प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, आप नई नई कटिंग्स लगा सकते हो, कटिंग्स किन किन की लगा सकते हो मैं वो वाली बातें आज आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैंने कुछ चेंजेस किए अपने टेरेस गार्डन में, वो भी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शायद कल बता दिया था कि मैंने ये यहाँ लगा दिए, शायद मैंने कल बता दिया, फिर भी आप देख लो कि ये यहाँ लगा दिए और ये मैंने यहाँ लगा दिए। देखो ब्लूमिंग अभी भी हो रही है, यहाँ सुबह सुबह की धूप आती है 2 बजे तक की और फिर भी इसमें अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, देखो कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। कुछ एक ये स्पैंड है उसको पक्के से आपको हटा देना होता है, ठीक है, नहीं तो क्या इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये लैगी लैगी से होना स्टार्ट हो जाता है। देखो इनके सीड्स है ना इस तरीके से फट के यहीं बिखर जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही पिटूनियाज में कोई फ्लावर स्पैंड हो गया हो ना तो आपको उसी समय उसकी पिंचिंग ज़रूर से कर देनी चाहिए। ये मैंने शायद कल भी बताया था मगर अभी पिंचिंग करी तो मुझे लगा आपके साथ में एक बातें और शेयर कर देती हूँ। बाकी सब अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, इसका कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये लास्ट में खिले हैं मेरे, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये खिले, फिर जो मजेंटा कलर के होते हैं वो खिले और अब
उसके बाद फिर येलो खेले और अभी पीच कलर के खेले, पीच कलर के सबसे लास्ट में खेले, और भी दिखाऊंगी अभी आपको पीच कलर के सबसे लास्ट में। तो इनकी कटिंग्स भी आप अभी लगा सकते हो नेक्स्ट, अगर आपको अभी कटिंग मिली लेट मिली तो कोई बात नहीं, इनकी कटिंग्स पूरा सीजन बची रहती है और नेक्स्ट सीजन में फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके और बना सकते हैं। तो कलंजी प्लांट की कटिंग अगर अभी भी आपको मिल जाए तो अभी सीजन का एंड नहीं हुआ है, जैसे कि आपको पता है ये पेरेनियल प्लांट है, पूरा सीजन बने रहते हैं, छोटी सी भी कटिंग मिल जाए तो लाके लगा लो, अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ठीक है, मई जून में तक नहीं लगती, बाकी आप अप्रैल तक तो लगा सकते हो, उसकी कटिंग इजीली लग जाती है। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है कि मैं पूरा साल इसकी कटिंग लगाती हूँ, लगाने का तरीका होता है, अगर आप वो भी बात मुझसे पूछेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हम इस सीजन में लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें काम करना है इन कोलियस पे, कोलियस की आप कटिंग लगा सकते हो, सारी मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी, मगर अब कुछ एक बातें मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, बता देती हूँ कि इन इनकी कटिंग लग सकती है, फिर इनकी कटिंग कल लगा के बताऊँगी। कोलियस की भी आप कटिंग लगा सकते हो, कितने लगे लगे हो रहे हैं ना, तो आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हो। और इस सीजन में आप विंटर और समर दोनों की कटिंग लगाते हो, विंटर और समर प्लांट दोनों की कटिंग लगा सकते हो, क्रेसुला की भी कटिंग लगा सकते हो, बहुत सही सीज़न है सक्युलेंट के लिए अभी। ये देखो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और सेकुलेंट प्लांट के पब वगैरह लगाना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ये देखो मेरा क्रेसुला लीफ के थ्रू ग्रो हुए हैं सारे प्लांट्स, सारी वीडियो आपके साथ में शेयर की थी, अब वापस से लगाऊंगी और वापस से आपके साथ में इसकी एक वीडियो मैं शेयर करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि ये लक्की प्लांट माना जाता है क्रेसुला प्लांट घर में लगाना, तो इसके आप जितनी भी कटिंग्स लगाना बहुत महंगा आता है नर्सरी में, तो आप इसको इस सीज़न में अच्छे से लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक लीफ भी मिल जाए ना, एक सिंगल लीफ से भी इजीली ग्रो हो जाता है। और अब आप लगा सकते हो जेड प्लांट की कभी कटिंग इस सीज़न में इजीली, जेड प्लांट कहाँ है, छोटी छोटी सी कटिंग्स, देखो मैं छोटी छोटी सी कटिंग्स आपको यहाँ दिखाती हूँ, छोटी छोटी सी कटिंग्स भी आप लगा के सिर्फ रिवर्सन में सारी कटिंग, जितनी भी कटिंग्स आपको लगानी है ना सिर्फ रिवर्सन में लगाओ, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। रिवर्सन क्या होती है, बजरी होती है, नॉर्मल बजरी जो आपका कंस्ट्रक्शन क्या इजीली मिल जाएगी, उसमें आप सिर्फ कटिंग्स लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करती है। जब वो कटिंग्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब आप उन्हें थोड़े बड़े बड़े प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर ये कटिंग्स इतनी बड़ी जाती है, दिख रहा है आपको कितनी बड़ी हो गई। तो जेड प्लांट की भी कटिंग आप लगा सकते हो, यहाँ मैंने रख रखे हैं मेरे वो वाले प्लांट, क्या बोलते हैं स्पाइडर प्लांट, इनको मैंने पानी में ग्रो कर रखा है, पानी में रूट्स देखो कितनी अच्छी आ रखी है, देखो कि रूट्स देखो कितनी प्यारी हो रखी है। तो ये भी हम लगा सकते हैं पानी में, पानी में लगाने के बाद जब टाइम मिले आप इसको उसमें लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में, आपको दिखाती हूँ। तो स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, देखो आपको दिखाती हूँ हैंगिंग, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। स्पाइडर प्लांट को चाहिए शेडी एरिया, छन की धूप आए, ये देखो यहाँ धूप ऊपर शेड है और नीचे यहाँ छन की धूप आती है, बहुत अच्छे से इसमें हो रही है ग्रोथ। और इसके अलावा एक ये भी है, ये भी शेड में, तो स्पाइडर प्लांट का एक ऐसा है कि जितना आप धूप सेमी शेड में रखोगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और एक और मैं आपको सबसे अच्छा इसका वो दे रही हूँ एग्जाम्पल, ये देखो कितना अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रखी है, धूप में जहाँ रखा तो उसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती, एक बार मैंने इसको धूप में रख दिया था इसकी पत्तियाँ यहाँ से बर्न होने लग गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, धूप में ना रखो, ऐसी जगह रखो जहाँ ये अच्छे से ग्रो करे। तो स्पाइडर प्लांट भी आप इस सीज़न में लगा सकते हो, इनकी कटिंग भी लगा सकते हो, शफले इसकी क्या नाम है यार, इसका शफलेरा है, हाँ शायद शफलेरा, देखो नई नई शूट्स आने लगी, जिस भी पौधे में नई शूट्स और ये आने लगे तो सोचो उसका सीजन ही, देखो नई नई पत्ती आने लगी, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हो, सिंगोनियम भी अभी आप लगा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में शायद थोड़ी सी पहले आप वीडियो आगे जाके देखेंगे ना, तो उसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया कैसे किया, ये भी वीडियो, ये भी लगा सकते हो आप। सिंगोनियम प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसका सीज़न है अभी का, ये देखो इस तरीके से ये सारे सिंगोनियम मैंने लगा रखे, पूरा सीज़न इनको अच्छे से एक माहौल दोगे ना तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। देखो मेरे सर्दी में भी इन्हें कुछ नहीं हुआ है, देखो क्योंकि इन्हें मैंने सर्दी में भी धूप में नहीं रखा तो इनकी ग्रोथ अच्छी बनी हुई। अगर सिंगोनियम प्लांट ऐसा है इनके आप सर्दी में भी आप इन्हें धूप में रखोगे ना तो इनकी पत्तियाँ लगी लगी सी रहती है, थोड़ी सी डैमेज रहती है। मैंने इन्हें पूरा यहाँ सेमी शेड में रखा है जहाँ इन्हें छन की धूप आती है, छन की इन द सेंस ये देखो कितने अच्छे से इनको इतना उजाला मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मनी प्लांट वगैरह ये सारे मैं आपको जैसे सीज़न एंड होने वाला था तब मैंने इन्हें लगाया था, सीज़न एंड मतलब शायद दिसंबर में नहीं, अक्टूबर नवंबर सेप्टेम्बर अक्टूबर में लगाया था मैंने इसे, ठीक है। और अब इसमें देखो अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर में लगाया था शायद मैंने, सितंबर लास्ट में, ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। अगर अब
उसी नर्सरी के प्लांटर में रहने दे दिए। छोटा सा नर्सरी का प्लांट था जिसमें मैंने इसमें इसकी कटिंग ग्रो की थी, अगर उसी में रहने देती ना तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती। और आज देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अभी सीजन में आके मेरे को उसको कुछ नहीं करना, मैंने काफ़ी बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रखा है। ये देखो दिख रहा है, इतने बड़े बड़े बकेट्स में शिफ्ट कर रखा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो भी कर रहे हैं। ये देखो ये तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया। अब इनका सीजन आ चुका है मनी प्लांट का। मनी प्लांट पर भी आप काम कर सकते हो, कटिंग्स लगा सकते हो, सारी ही मैं चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। जस्ट अभी तो आपको थोड़ी बहुत बातें बता रही हूँ कि इस सीजन में फेब वाले सीजन में, अब ये देखो छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ भी लगाई थी, ये भी चल पड़ी, अब धीरे धीरे ये भी बड़ा हो जाएगा। फेब के सीजन में बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हो आप। ड्रेसिना की भी कटिंग लगा सकते हो, ये ड्रेसिना की ड्रेसिना बेबी डॉल इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। इसकी पत्तियाँ देखो कितनी शाइनी होती है, ठीक है। इनकी कटिंग्स आप जितनी लगाओगे ना उतना प्लांट घना होता है, नहीं तो लैगी लैगी हो जाता है। लैगी मतलब एक लंबी सी स्टिक निकलती है। और मनी प्लांट का कोई सा भी वो हो, कोई सी भी वैरायटी हो, सबकी कटिंग्स इस सीजन में इजीली चल जाती है। ये हमारा है ब्रोकन हार्ट, ठीक है। धीरे मनी प्लांट का सीजन आया, मनी प्लांट की पत्तियाँ धीरे धीरे बड़ी होना शुरू होगी, अच्छी मतलब हेल्दी हो जाएंगी। देखो ऊपर वाली पत्ती कितनी शाइनी आ रही है देखो। और तो क्या, बाकी सारे इंडोर प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हो। इंडोर प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। मुझे एग्लोनीमा का काम करना है, वो एग्लोनीमा मेरा वहाँ रखा है ना, अब एग्लोनीमा का कल काम करूँगी और एग्लोनीमा पे कल वीडियो बनाऊँगी। एक काम करती हूँ, उसको नीचे ही रख लेती हूँ। ये बीच में ना थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा था, फिर मैंने इसको ऊपर रख दिया। देखो ख़राब कैसे होने लगा था ये आपको दिखाती हूँ। अब एक काम करूँगी, कल मैं काम करूँगी एग्लोनीमा पे और उसके बारे में वीडियो शेयर करूँगी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था मेरे से गलती से इसमें, और इसका ये जो नया पब है ना यहाँ से ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया इसको ऊपर, ये देखो यहाँ से पब गलने लग गया ना थोड़ा सा ओवर वाटरिंग का रीज़न ये भी रहा कि इसमें ना कोकोपीट है। और ये मैंने जब लाई थी नर्सरी के प्लांटर में से शिफ्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैं विंटर में लाई थी, सस्ता मिल गया था मुझे 100 रुपीज़ का। तो मैं विंटर शायद 80 रुपीज़ का मिला था, 100 का बता रही थी, 80 का दे दिया था उन्होंने। तो मैं ले आई थी, सस्ता मिल रहा था इसलिए फिर मैंने इसको ला के रख दिया। मगर ये कोकोपीट में लगाया हुआ है ना तो इसमें ओवर वाटरिंग से थोड़ा बहुत ये ख़राब होने लगा था, मुझे लगा कि ये ख़राब होने लगेगा। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल पानी देना बंद कर दिया। अब एक काम करती हूँ, इसे यहीं कहीं नीचे रख जाऊँगी तो मुझे याद रहेगा कि कल मुझे इसका काम पहले करना है, एग्लोनीमा का। एग्लोनीमा मेरे पास में और भी है, ये एक एग्लोनीमा है जो मैंने परचेज़ किया है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा एग्लोनीमा है जो मैंने कटिंग से तो नहीं मल्टीप्लाई करके मेरे फ्रेंड से, एक मतलब कटिंग से नहीं लगते, ये मल्टीप्लाई होके लगते हैं। छोटी छोटी से इसमें पब्स निकलते हैं, बेबी पब्स निकलते हैं नीचे नीचे से, और फिर वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम इनकी कंडीशन भी वही है, ये वाला एग्लोनीमा जो आपको दिखाई दे रहा है। इनके खैर मुझे काम करना है, ये सब पत्तियाँ वत्तियाँ हटानी है इनकी, ये सब हटाऊँगी तो ये भी मैं मल्टीप्लाई करके लगाई थी। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इन्हें नीचे उतर के फुल वीडियो बनाऊँगी कल मैं एग्लोनीमा के ऊपर। बाकी सब हमारे बढ़िया से चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके आप कटिंग्स लगा सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको सभी की कटिंग लगाना बताऊंगी। आप इसकी सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग लगा सकते हो, चाहे इसकी भी लगा सकते हो, चेन प्लांट की भी लगा सकते हो। बेबी टीयर्स का सीजन आ गया, आप इन पे भी काम कर सकते हो। एक काम करती हूँ, आज इधर इधर का एरिया कवर करती हूँ, वहाँ जाऊँगी तो फिर भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी। बस इधर इधर का एरिया कवर कर रही हूँ यहाँ तक का, ठीक है। फिर वहाँ के प्लांट्स के बारे में कल बताऊँगी, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, एरिका पाम को भी आप इस सीजन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये देखो अभी छोटा सा प्लांट आ रहा है ना, इसमें से अब इसके इतने सारे पब्स बन गए। जैसे कि आपको पता है मैंने सीड से लगाया था, तो इनको अलग अलग ऐसे निकाल निकाल के अलग अलग प्लांटर में लगा लो, तो ये एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कटिंग से नहीं लगते, ये मल्टीप्लाई होकर लगते हैं। और तो कह रहे, अंदर ही अंदर आप देखोगे ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनमें से वीड्स वगैरह मैं हटा देती हूँ, ये वीड्स वगैरह उग गए हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, तो हर प्लांट में हम देख नहीं पाते कि प्रॉपर जब दिखाई देता है तो उसी समय हटा देने चाहिए इनकी वीड्स वगैरह, ये सारे जितने भी उगे। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो काम अपना, कटिंग लगाने का। इनमें भी मुझे काम करना है, इनकी प्रूनिंग बिंजिंग सब करनी है मुझे, अच्छे से इन्हें प्रून करूँगी फिर इनकी कटिंग लगाऊंगी, ये भी काम करना है। और मैं आपको क्या दिखा रही थी, अरे यार मेरा ये पौधा गिर गया यार, जीजी का पौधा कैसे गिर गया, एक सेकंड रुको, सारा ही गिर गया ये तो। अयो रामो, ये हल्का है ना यार इसमें। चलो एक काम करते हैं, इसका काम करते हैं कुछ। ये मेरा जीजी प्लांट था, इसको मैंने लीव के थ्रू लगाया था। देखो कितना अच्छे से ग्रो कर गया, दिख रहा है आपको, इसमें इसकी रूट्स भी आ गई हैं और इसकी भी कंडीशन देखते हैं। ये ब्लैक जीजी है, ब्लैक जीजी की मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी देखो इसका वो निकल गया है। तो अभी तो मौसम क्या थोड़ा सा ठंडा है, तो एक काम करती हूँ अभी तो मैं इसी में ही रहने देती हूँ इसको, सिर्फ रिवर साइड में ग्रो किया था। देखो इसका ये प्लास्टिक का ये पॉट है ना फट गया। एक काम करती हूँ, देखती हूँ एक और कुछ मिल जाए मुझे।
तो इतना छोटा सा एक मुझे नर्सरी का प्लांटर मिला। और छोटे छोटे कटिंग्स या छोटे पौधे लगाने के लिए छोटा प्लांटर ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उनमें ना ओवर वाटरिंग नहीं होता है, ओवर ईटिंग नहीं होता। ओवर ईटिंग मतलब हम उनको ज़्यादा फर्टिलाइज, अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट होगा तो उन्हें हम ज़्यादा फर्टिलाइज करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। और जिस प्लांट को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ठीक है, कम केयर में अच्छा ग्रो करने वाला प्लांट है, आप इसे 2-3 महीने तक पानी ना देना तो भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, मेरा बड़ा वाला जीजी प्लांट, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना के तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनके होल को कवर कर लिया। होल को कवर क्यों किया जाता है ये सभी को पता है, जिससे इनका हमारा ड्रेनेज होल अच्छा, मतलब इसका पानी का ड्रेनेज अच्छा बना रहा है, ठीक है। अब और जीजी प्लांट में ऐसा है कि जहाँ पानी रुका वहीं गड़बड़, ठीक है। अब मैं इसमें ये सारी रिवर्सन डाल देती हूँ, थोड़ी सी कंकरी ये भी डाल देती हूँ। जो पहले वाला पॉटिंग मिक्स है ना उसमें भी हमारी है रिवर्स एंड काफ़ी, तो 50% का रेशियो हो गया इसमें रिवर्स एंड का, बाकी इसमें मैंने डाला है 20% गार्डन सोल हो गया, 30% मेरा इसमें वो है काउडन केक। तो उससे क्या होता है, काउडन केक से न्यूट्रिशन मिलते हैं और रिवर्स एंड से क्या होता है इसका पानी इसमें रुकता नहीं है, ड्रेनेज बहुत अच्छा बना रहता है। और गार्डन सॉइल तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसका एक नॉर्मल सा पॉटिंग मिक्स बना के रेडी कर लिया है। जब इसका सीज़न आएगा ना ये और थोड़ा सा सही, तब मैं इसे अलग से इसमें, जब तक इसमें अच्छी सी ग्रोथ भी हो जाएगी, ठीक है। एक काम करती हूँ, सारी मिट्टी पहले इसमें डाल देती हूँ और फिर अभी इसको साफ़ सफाई करूँगी यहाँ से, और इसको इस तरीके से यहाँ से को डिक कर लिया। और इसमें ना ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, ये देखो इसको इस तरीके से इसमें कितनी अच्छे से वो आ गई है रूट्स वगैरह, ये देखो इसका वो जो बोलते हैं ना इसको, इसमें एक गांठ जैसी बन जाती है, इसमें पानी स्टोर रहता है, इसमें पानी स्टोर रहता है ना, इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है हमारे जीजी प्लांट को। जीजी प्लांट बहुत महंगा आता है नर्सरी से, तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं और उन्हीं को मैं ला के मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। जीजी प्लांट को मैं लाई और एक महीने बाद मैंने उसको अलग अलग प्लांटर में कटिंग से लगाया, पानी में लगाया और एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ। तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारे सीसी प्लांट तैयार हो गए। एक छोटा सा पौधा मैं खरीद के लाई थी 250 ईच का, और उससे मैंने बहुत सारे प्लांट बना के रेडी कर लिए। अब जीजी प्लांट को मैंने पहले दे दिया अच्छे से पानी, हल्का सा है ना, पानी डालने के बाद ये ना इधर उधर हिलती है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टेबल कर देती हूँ एकदम ऐसे सीधा। अब मैं इसको कम से कम, जैसे इसमें पानी मैंने अभी दिया है ना, तो कम से कम पानी मैं इनमें जब तक नहीं दूंगी जब तक इसकी मिट्टी पूरी अच्छे तरीके से सूख ना जाए, ठीक है। अब इसे हम रख देते हैं सेमी शेड में, ऐसी जगह जहाँ सुबह सुबह की धूप आए, बाकी दिन भर इसमें हल्के फुल्के छन के सनलाइट आती रहे, ऐसी जगह रखेंगे इसे। मैंने रख दिया है यहाँ, देखो अभी सुबह सुबह की धूप आ रही है और फिर दिन भर यहाँ छन की लाइट आएगी, बस क्या बोलते हैं सनलाइट आए छन के, बस इतना काफ़ी होता है जीजी प्लांट के लिए। एकदम इंडोर रखते हैं ना तो भी ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। और उसकी पत्तियाँ वत्तियाँ एकदम साफ़ करो तो बहुत अच्छे से शाइनी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जीजी प्लांट, जो मेरा मेन मदर प्लांट है ना, उसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना के रेडी किया है। मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ जाते जाते, ये देखो मेरा एडेनियम का कितना प्यारा इसका कलर खिल रहा है, और भी बर्ड्स आई हैं इस सीज़न का। ये मेरे हाइब्रिड वाले एडेनियम में पहला वाला फूल खिला है इस सीज़न में फेब में, ये देखो कलर कितना प्यारा है इसका। यह है हमारा जीजी प्लांट का मेन मदर प्लांट, एक छोटा सा लाई थी मैं ब्लैक, जो अभी आपको मैंने प्लांटर दिखाया था ना नर्सरी का छोटा सा इतना सा, उसी में मैं लाई थी 250 ईच। आज मैंने उससे कम से कम 7-8 नए प्लांट्स बना के रेडी कर लिए हैं जीजी के। और ये इस तरीके से, ये देखो कितना अच्छे से इसकी पत्ती को शेप, देखो कितना अच्छे से जब नई पत्ती आती है ना, इसमें शावरिंग वगैरह करते हैं ना, इसकी पत्ती को साफ करके रखते हैं ना, तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखो इस तरीके से इससे शाइनी पत्तियाँ दिख रही, इसकी इतनी शाइनी पत्तियाँ होती है नई ग्रोथ, ये देखो आपको नई नई ग्रोथ दिखा रही, इतनी शाइनी पत्तियाँ होती है, आर्टिफिशियल जैसी दिखाई देती है। और इससे मैंने तैयार कर लिए हैं बहुत सारे मेरे प्लांट्स, ये देखो उसकी वाली पत्तियों का शेड कितना प्यारा आ रहा है, दिख रहा है आपको कितना अच्छा, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम ऐसी जैसे कोई आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रखते वैसा लगता है, और शेप बहुत अच्छा होता है इनकी पत्तियों का। तो बस इसी से, और इसमें ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये हटा देती हूँ, मैडेनियम के पत्ते गिर गए हैं, और ये आपको कांटे दिखाई दे रही है, इसमें पानी स्टोर रहता है, इसीलिए जीजी प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है और कम फर्टिलाइजर की, नहीं तो क्या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ये ख़राब हो जाती है हमारी, इसकी रूट से ही ख़राब होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पानी कम दो, केयर कम करो, और मैं इसको देती हूँ कम से कम महीने में एक बार, गर्मी में महीने में एक बार काउडिंग केक का लिक्विड फर्टिलाइजर, उसी से अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये है हमारा मेन जीजी प्लांट, जिसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किया, और इस सीज़न में आप इसको कटिंग से इजीली लगा सकते हो। कटिंग से और कैसे लगाते हैं वो मैं फुल वीडियो एक बार और आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो फ्रेंड आपको पता होता है कि क्या करना है। ओके बाय।